नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए सेकावाटी के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, बताया जाता है कि रामगढ़ और रघुनाथगढ़ की बसावट होने के बाद कुछ समय बाद सीकर के अंदर राजा की गद्दी पर आसीन हुए देवी सिंह जी के पुत्र राव लक्ष्मण सिंह जी, जिन्हें कर्नल टोड ने शाहपुरा के ठाकुर साहब के पुत्र और राव देवी सिंह के दत्तक पुत्र लिखने की गलती भी की है, जो कि अपन कर्नल टोड के इतिहास को पढ़ते हैं तब पता चलता है। और इस गलती के कारण यह भी है कि राव देवी सिंह के परलोक गमन के बाद खंडेला बल्लारा आदि के राजाओं और भोजराज जी के शेखावतों ने, जो कि राव देवी सिंह जी की नीति से त्रस्त थे, यह बखेड़ा पैदा भी किया था कि लक्ष्मण सिंह जी राव देवी सिंह जी के औरस पुत्र नहीं हैं, अर्थात दत्तक पुत्र हैं। जयपुर भी इस झगड़े का लाभ उठाने से नहीं चूका था और सीकर पर चढ़ाई कर दी थी। सीकर के पड़ोसी राजा जो सीकर विरोधी थे, वो भी जयपुर की तरफ जाकर मिलने लग गए थे। लेकिन जयपुर का सीकर पर कब्जा करने का सपना कभी पूरा नहीं हो सका, क्योंकि राव देवी सिंह जी जो कि जयपुर के बाएँ हाथ थे किसी ज़माने में, वो जयपुर की कूटनीति से काफ़ी परिचित थे। उन्होंने जयपुर के काफ़ी मंत्री और पदस्थ लोगों से ऐसे संबंध बनाए थे जिनका फ़ायदा उनके पुत्र राव लक्ष्मण सिंह जी को हुआ भी, क्योंकि जयपुर के मंत्री राव दौलतराव हल्दिया राव देवी सिंह जी के घनिष्ठ मित्र थे और रुपए पैसे की कमी तो राव शिव सिंह जी को कभी हुई ही नहीं थी। उल्टा उसके पड़ोसी सदमे में थे कि इतने बड़े निर्माण कार्य राव जी कैसे करवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जयपुर के हुक्म से नंदराम हल्दिया सेना लेकर उदयपुर के अंदर डेरा डाल देते हैं। उस समय लक्ष्मण सिंह जी की माता काना लोद जी शासन देखा करती थी। जयपुर की चढ़ाई का सुनकर राजमाता ने अपने मंत्री सूरजमल धाबाई, जालिम सिंह चांदावत और मेद सिंह परशुराम जी का को कृपाराम जी बारठ के साथ राव देवी सिंह के पूर्व प्रेम संबंध और भाईचारे का स्मरण दिलाने के लिए भेजा और शेखावतों की क्रोधाग्नि से बालक लक्ष्मण जी को बचाने की प्रार्थना की गई। बारठ जी ने जाकर हल्दिया को सोल्टे सुनाए, जिसमें लक्ष्मण जी के पिता राव देवी सिंह जी के कार्यों और किए गए उपकारों का वर्णन किया गया। फिर हल्दिया को एहसास हुआ कि वाकई देवी सिंह जी के पुत्र को सुरक्षा की ज़रूरत है, आखिर यह तो अपने दोस्त का पुत्र ही है। कर्नल टोड लिखते हैं कि अब हल्दिया खुद ने ही बालक की सुरक्षा का उपाय बताया, जिसमें जयपुर के हुक्म की तामील भी हो गई और बालक की रक्षा भी। हल्दिया के अनुसार कहलवाया गया कि सीकर को बहुत सारी सेना तैयार करनी चाहिए और काफ़ी दिनों तक युद्ध चल सके ऐसा माहौल बनाना चाहिए, जिसके बाद वह खुद जयपुर को पत्र लिखकर भेज देगा और इसके अंदर कहलवा देगा कि जयपुर को इस युद्ध से काफ़ी जन धन की हानि होगी, अतः युद्ध टाल दिया जाए। सीकर की राजमाता के आह्वान पर सेना इकट्ठी होने में समय नहीं लगा। हर गांव गली से शेखावत योद्धा महाभारत के युद्ध की तरह खुशी खुशी उसमें शामिल होने के लिए आ रहे थे। अगले दिन सीकरगढ़ के सामने अनगणित योद्धा आ गए और युद्ध शुरू हुआ। काफ़ी दिनों तक बनावटी युद्ध होने के बाद हल्दिया ने वैसा ही किया और जयपुर को लिख भेजा कि सीकर से नजराना लेकर छोड़ दिया जाए। इसके बाद जयपुर दरबार के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही सीकर से 2 लाख रुपये लेकर के और 1 लाख अलग से लेकर हल्दिया ने सेना हटा ली। इसके बाद व्यस्क होकर लक्ष्मण जी ने सीकर का राज चलाने लगे। इनकी वीरता राव देवी सिंह जी से भी 2 चंदा आगे थी। इन्होंने शाहपुरा पर आक्रमण किया और मोहब्बत सिंह शाहपुरा को 3 दिन युद्ध करने के बाद किला छोड़कर मारवाड़ की सीमा में जाने पर विवश कर दिया। यह युद्ध विक्रमी 1857 में लड़ा गया। अब शाहपुरा भी सीकर के अधिकार में आ गया था। इसके बाद वे भटोट पर आक्रमण किए। इस आक्रमण के अंदर कुछ स्वार्थी लोगों ने माता पुत्र के बीच में वैर करवा दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब माता पुत्र मिले तो भेदियों का भेद खुल गया और इसके बाद राव जी ने सबको दंड दिया, जिसमें एक लाडखानी सरदार फंस गए। इससे लाडखानी समुदाय में जोश आ गया और उन्होंने जसुपुरा गांव को जला दिया। वही लड़ाई में दोनों पक्षों के बहुत सारे योद्धा मारे गए। इसके बाद खाचरियावास के शिवदान सिंह जी ने यह भैरभाव मिटाया और मोहब्बत सिंह को वापस बुला करके राव जी ने उन्हें शाहपुरा दिया। दलेल सिंह को भी नेछवा और बटोट के गढ़ की रक्षा का भार दिया गया, जो कि सीकर के अधीन हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, अगली कड़ी में फिर अपन सीकर के समकालीन इतिहास की चर्चा करेंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवा से, और आपको इतिहास की किस्से कहानियाँ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।